जिस तरह से उत्तर प्रदेश में महंगाई अपने चरम पर है, मैं आज बदायूं की अगर बात करूं तो दातागंज नगर पालिका, और यहां पर जानेंगे कि महंगाई जिस तरह से प्रदेश में महंगाई बढ़ रही है उसमें जनता की क्या राय है, जिस तरह से बाबा का बुलडोजर चल रहा है उस पर जनता की क्या राय है, महंगाई और बुलडोजर इसको लेकर के आज दातागंज में हम जनता की राय जानेंगे कि किस तरह से महंगाई का असर क्या आम जनता पर पड़ रहा है। महंगाई का असर जो है, ऐसा नहीं है पहली बार ये कोई महंगाई की बात है, और महंगाई जो है अंतर्राष्ट्रीय महंगाई है, ऐसा नहीं कि खाली उत्तर प्रदेश में ही महंगाई है, और इस महंगाई का कोई बहुत ज़्यादा असर नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से महंगाई है उसी तरीके से हर उसी रेशो में सारी चीज़ें बढ़ रही हैं। जैसे पहले गेहूँ 10 रुपये किलो बिकता था, आज 22 रुपये किलो बिक रहा है, तो लोगों को, किसानों को, गरीबों को पैसा भी मिल रहा है, और गवर्नमेंट जो है, उत्तर प्रदेश सरकार जो है, बहुत गरीबों को माल दे रही है, फ्री में अनाज दे रही है, बिजली दे रही है, मकान दे रही है, गैस दे रही है, दुनिया की सारी चीज़ें, और स्वास्थ्य दे रही है, शिक्षा दे रही है, सारी चीज़ें दे रही है। तो महंगाई का मुझे लगता है कोई बहुत ज़्यादा असर नहीं है। सब जिस तरह से अगर जैसे सिलेंडर की बात की जाए तो गैस सिलेंडर पर कल ही 50 रुपये पड़ा है, तो उससे कहीं लगता है कि रसोई का जो बजट है वो कहीं ना कहीं गड़बड़ाएगा अगर इस तरह से महंगाई बढ़ती रही। देखिए मैं आपको एक बात और बताऊं, जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन लोगों का सोर्स ऑफ इनकम भी तो बढ़ रहा है ना, तो वो एक रेशो में बना हुआ है। जो लोग पहले 100 रुपये पैदा करते थे तो उस हिसाब से सिलेंडर था, आज वही लोग 500 रुपये पैदा कर रहे हैं तो उसी रेशो से बढ़ गया है। तो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा असर नहीं है, कुछ चीज़ों पे, एक दो चीज़ों पे है, और ये गैस का सिलेंडर है, पेट्रोल है, ये तो अंतर्राष्ट्रीय कीमत होती है इनका, इनका कोई किसी सरकार के हाथ में नहीं होता है। अच्छा, जिस तरह से बाबा का बुलडोजर चल रहा है तो कहीं ना कहीं बाबा का बुलडोजर रोड पे जो ठेले खोमचे वालों को भी तोड़ रहा है, अगर विपक्षियों पे चल रहा है या अतिक्रमणकारियों पे चल रहा है तब तो ठीक है, क्या लगता है बाबा के बुलडोजर पे क्या कहेंगे आप? देखिए बाबा का बुलडोजर जो है केवल उन लोगों पे चल रहा है जिन्होंने अतिक्रमण कर रखा है, किसी भी गरीब आदमी की किसी भी संपत्ति पे नहीं चल रहा है, केवल बुलडोजर उसी पे चल रहा है जो अवैध कब्जे करे हुए हैं, और रहा ठोले कोंचे वाले, अतिक्रमण जो नाजायज अतिक्रमण कर रखा है सड़कों पर उसके विरोध में जो है बुलडोजर चल रहा है, किसी पब्लिक पर बुलडोजर नहीं चल रहा है। ठीक है, आम जनता पर जिस तरह से महंगाई का असर पड़ रहा है तो क्या कहेंगे, महंगाई का असर आम जनता को कहां तक ले जाएगा? देखिए महंगाई तो है, नो डाउट, इसमें शंका की कोई बात नहीं है, लेकिन महंगाई के साथ साथ जो हमारी सोर्स ऑफ इनकम है उसको भी बढ़ाया गया है सरकार द्वारा। मैं आपके माध्यम से सरकार से एक बात कहना चाहूँगा कि सरकार जिस तरह से मुफ्तखोरी के लिए बढ़ावा दे रही है उससे आम जनता पे उसका भी बोझ पड़ रहा है। सरकार को सबसे पहले मुफ्त में जो मुफ्त की चीज़ें चलाई हैं, जैसे मुफ्त का मकान 2.5-2.5 लाख रुपए का दे रहे हैं, मुफ्त की जो गैस दे रहे हैं, तो इन चीज़ों को बंद करके सरकार के लिए रोज़गार के साधन उपलब्ध कराना चाहिए, सरकार के लिए जो और जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उनके लिए सस्ता करना चाहिए। हम लोग जो टैक्स दे रहे हैं, हम लोग टैक्स पे अपने पैसे के लिए जो मुफ्त में हमारा पैसा उड़ाया जा रहा है, हम लोगों पे जो मध्यम वर्गीय है उस पर अनर्गल दबाव बढ़ाया जा रहा है। अब कल ही रसोई गैस पे 50 रुपये पड़े हैं, तो ये कहीं ना कहीं मध्यम वर्ग के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान और रसोई चूल्हा जलाना कठिन हो रहा है। सरकार जो है मुफ्त कोरी ख़त्म करके जो मुफ्त में चीज़ें दे रही है उनको ख़त्म कर दे तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी राहत मिलेगी हम लोगों के लिए। जी भैया, महंगाई अगर बात की जाए तो एक चरम पर है, जनता कह रही है कि, और उस महंगाई का आम जनता पर कितना असर पड़ रहा है? आम जनता पर बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है, रसोई गैस और खाने के तेल, इन पे सरकार बिल्कुल फेल है, इनको नहीं सुधारा तो बात सही नहीं है गरीब के हित में। महंगाई की मार से सब बेहाल, लोगों का जीना है मुहाल। बढ़ती हुई महंगाई की अगर हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं जो महंगाई है उस पर विपक्ष भी हमलावर है, पर समस्या यह है कि जो सरकार है वो अपनी नज़र छुपाती हुई महंगाई से नज़र छुपाती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पर हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उस पर महंगाई को लेकर के उनके जीवन पर क्या असर पड़ रहा है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम विभा बस्ती है। जो महंगाई है, महंगाई को लेकर के आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है?
इसमें बहुत सारा पड़ रहा है, क्यों नहीं पड़ रहा? जिसके घर वाले हैं सब सारे लोग, जिसके ज़्यादा लोग हैं उनका ज़्यादा खर्चा चल रहा, जिनके कम लोग हैं उनका कोई खर्चा नहीं चल रहा है फिलहाल उनका भी, मगर हम तो ये नहीं समझ रहे हर चीज़ पे तो महंगाई महंगा किस चीज़ पे नहीं है। सिलेंडर है 950 का होगा, कहीं कहीं 1000 रुपये का मिल रहा है, कहीं कहीं 1200 का मिल रहा है, इस पर भी कोई पाबंदी नहीं है, ठीक है। और नंबर दो की बात है चीनी रिफाइंड तेल, हर चीज़ में तो कटौती चल रही है, एक ही चीज़ में कटौती नहीं चल रही। पहले 5 वाला साबुन आता था, अब वो 10 वाला हो गया, समझो 10 वाला हो जाएगा, 15 दिन बाद 20 वाला हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और चीनी थी अभी 30 रुपये में चल रही थी, पहले तो 28 में चल रही थी, जो चलो अभी 6 साल भर से, फिर अब तो 40, 50, 45, अभी इसने अभी लॉकडाउन में तो इंसान ने 200 रुपये में चीनी खरीदी है। अब जब पेट भरना है तो इंसान 100 में क्या 200 में मिलेगा, वो तो खाएगा ही खाएगा। हम तो बस सरकार से हर चीज़ में ही ये भी देख ले कि हाँ जो इंसान अमीर है गरीब है इतना तो देख ले कि जिसके पास पैसा है वो तो खरीद के खा लेगा, जिसके पास पैसा नहीं है वो कहाँ से लेके खाएगा। हम तो बस जिसके परिवार है 10-12 लोग हैं या 5-6 लोग हैं खाने पीने वाले लोग हैं, वो इतना सारा सिस्टम कहाँ से लेके आएंगे। हम सबका ये सोचते हैं कि अपना नहीं, वो लोग अपना ही भला सोचें, मगर जो गरीब इंसान है उनका ज़्यादातर भला सोचें। अब जब सरकार दी है उन लोगों को तो उसका अच्छा प्रयोग कर दे। अब अभी देखो पेट्रोल के 110 ऐसे में कुछ चल रहा है, जो गाड़ी बेचारे चला रहे हैं उनकी भी गाड़ी बंद चल रही है, इंसान कमाएगा नहीं तो गाड़ी कहाँ से चलाएगा। पेट्रोल हर चीज़ में हर किस किस में बताया जाए, जिसमें ना बताए वही हर चीज़ में कमी है। सब्जियों की महंगाई को लेकर क्या राय है? सब्जी तो भाई एक तो किसानों के ऊपर है, किसान जब महंगाई चलेगी तो किसान भी खाना खाएंगे, जबकि सब्जी है भी महंगी, हर चीज़ में महंगी महंगी कौन सी चीज़ में नहीं। टमाटर देखो 40 रुपये में जा रहे हैं, तो हर चीज़ में महंगाई। हम तो ये नहीं कर, मगर ये है हर चीज़ कंट्रोल में रख के चलाएं तो हर चीज़ से सही चले। आपका नाम क्या है? मेरा नाम कृष्णा शुक्ला है। रोजमर्रा की जो जिंदगी है, खान पान की हो या फिर किसी और चीज़ की, उस पर महंगाई को लेकर के आपके जीवन पर क्या प्रभाव है? महंगाई को लेकर मेरे जीवन पर बहुत बुरा प्रभाव चल रहा है, महंगाई की मार बहुत थपेड़ बहुत तगड़ी चल रही है, हर जगह आपको महंगाई देखने को मिल रही है, कहीं भी आप निकलिए रोजमर्रा की जिंदगी में साबुन तेल गैस सिलेंडर पढ़ाई लिखाई हर एक चीज़ सब बिल्कुल एकदम बेकार चल रहा है। कोई चीज़ जो है मध्यम वर्ग हो या गरीब वर्ग हो उसके अनुकूल नहीं चल रहा है, जो बहुत हाई फाई है उनका सब अच्छा अच्छा चलेगा। पेट्रोल के दाम हो, पेट्रोल के दाम हो या फिर खाद्य सामग्री या फिर कोई मटेरियल ट्रांजेक्शन की बात हो, उसको लेकर के आपको आपकी सीधा आपकी जेब पर क्या प्रभाव पड़ता है? सब खर्ची खर्चा बचत कुछ नहीं है, बस यही प्रभाव पड़ रहा है। जो ईंधन है, ईंधन की भी लगातार बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो रही है, उसको लेकर के आपका वो उसका भी बहुत बुरा असर है, वो चीज़ हमें थोड़ा सा अच्छी नहीं लग रही है। 950 रुपये सिलेंडर बहुत महंगा है, अगर बड़ा घर है ज़्यादा बड़ा परिवार है तो उसमें आप देखेंगे कि सिलेंडर 20 दिन चलेगा 25 दिन चलेगा, और कम लोग हैं तो उसी हिसाब चलेगा। आज हम यहाँ लोगों की आम राय जानेंगे कि महंगाई को लेकर और बाबा के बुलडोजर को लेकर लोगों की क्या राय है। आप लोग बाबा का बुलडोजर तो चल रहा है, बाबा के बुलडोजर के लिए क्या सोचा? देखिए अगर अपराधियों के खिलाफ बुलडोजर चल रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है, कोई अपराधी है लोकतंत्र करके अपना अपराध बनाया है तो उसके खिलाफ बुलडोजर चले तो अच्छी बात है, मतलब किसी सही आदमी के साथ बुलडोजर ऐसी घटना न हो, ये हमारे पास है। हम सपना देखा ये जो महंगाई को लेकर व्यापारियों पर और आम जनता पर क्या असर पड़ रहा है? महंगाई तो हम लोग के लिए मतलब बहुत हर नोटबंदी के बाद एकदम बुरी तरह ध्वस्त है, समझ लीजिए आधा व्यापार हो गया, इसका मेन कारण महंगाई है। अब किस रूप में आया है कौन लाया है अब ये तो बड़े बड़े लोग ही जानेंगे, लेकिन हम छोटे व्यापारी बहुत ही त्रस्त है। सामने कस्टमर के पास आता है कपड़ा देखता है, हर 10 ग्राहक में से 5 ग्राहक महंगाई के कारण लौट जाता है। पूरी तरह महंगाई नहीं है, पूरी तरह महंगाई है कि ये महंगाई का भ्रष्टाचार का ये समझ, एक एक सामान महंगा। पहले जमाने में क्या होते थे हम आपको बता दें, पत्रकार महोदय हम आपको बता दें, पहले जमाने में कभी प्याज का दाम बढ़ता था कभी लहसुन का दाम बढ़ता था, एक एक सामान कभी डीजल भी बढ़ जाता था मान लीजिए। और इस समय रुकिए हमको बोलने दीजिए आप मत बोलिए, इस समय हैंड पाइप के नट बोल्ट से लेके सुई से लेके कपड़ा से लेके मिठाई से लेके मैंने हर सामान में आग लगी हुई है, ये महंगाई नहीं है, ये महंगाई की अंतिम सीमा चल रही है। अब मतलब समझ लीजिए कि टोटल आइटम महंगा है, स्कूल के फीस से लेके बच्चों के मतलब जीवन यापन से लेके, ये महंगाई नहीं है, महंगाई का ये महंगाई का बुलडोजर चल रहा है इस समय। महंगाई जो मेरा मालिक रहेगा उसको मालिक।
कोई दिक्कत नहीं है, जो जो गाड़ी मिलता है हम गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी लौट जाएगी तो ड्राइवर को तो जाएगा ना। बस आगे क्या करते हैं ऑटो चलाते हैं। बाबा का जो बुलडोजर चल रहा है उत्तर प्रदेश में अपराधियों से वगैरह जो भी चल रहा है उसको आप कहाँ करते हैं? अपराधियों को जाना ठीक है, जो गरीब है जो छोटे मोटे व्यापारी है उनके ऊपर पहुँच रहा, हम लोगों के ऊपर बहुत प्रभाव है। दो दिन एक दिन में 200-300 रुपए कमा रहे हैं, उसे बताइए हम लोग घर बार चला सकते हैं? आप चाहते हैं डीजल और पेट्रोल का भी दाम बढ़ा, दाम बढ़ गया क्या बहुत असर पड़ा है। जो रिफाइन हम लोग 80 रुपए में खरीदते थे इस समय 170 रुपए किलो, व्यापार कम होने का क्या कारण? व्यापार ये सरकार ले गई है, धीरे धीरे ले जा रही है नीचे, हम लोग ले जा रही है नीचे, आदमी इसको लस्सी की तरफ फेंक दे रहा है सब, और तो फेंक कर भी सरकार सरकारी दोषी रहे, दोषी तो सरकारी होगा। महंगाई है, महंगाई तो चरम सीमा पर है, आए दिन हर दो हफ्ते में गैस का दाम 50 रुपया, तो क्या क्या साबित करना, सब्सिडी भी छीन लिए और आज के डेट पे 1100 रुपये 1200 रुपये सिलेंडर क्या मतलब बन रहा है, क्या बन रही है? आदमी घूम रहा है, रोजगार नहीं है सर, प्राइवेट की कंपनी में दोनों कह रहे हैं कि नहीं सर ये सारी चीजें पूरी है, कहीं किसी तरह से कोई रोजगार नहीं, बिल्कुल रोजगार नहीं।